हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन कीमा विद लॉट्स ऑफ पीस एंड कैप्सिकम। बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने पहले से ही एक कढ़ाई जो है गैस पर रख दी थी और उसमें ऑयल डाल दिया था। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 4 लौंग लिए हैं, वो डाल देंगे और इन्हें जो है अच्छे से गरम कर लेंगे। और यहाँ जो है मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे जिन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब जो है वो भी इसमें डाल दूंगी। और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी और प्याज को हाई फ्लेम में हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लूंगी। प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो हमारा अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देगी मिर्च, दो टीस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ये 2 मैंने बड़े टमाटर जो है ये चॉप कर रखे हैं वो डाल दूंगी और इसे इस मसाले के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। हमें टमाटर को और ये मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लगा है और अब मैं इसमें यह कसूरी मेथी डाल दूंगी और इसे भी इसके साथ भून लूंगी। यहाँ मेरे पास बॉइल्ड किए हुए हरे मटर हैं और मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। अब ये मैंने पहले से ही बॉइल करके रख दिए थे, इससे जो है सब्जी जल्दी भी बन जाएगी और जो मटर है उनका कलर भी सही रहेगा। तो अभी हम 2 मिनट अच्छे से तेज आंच में मटर को मसाले के साथ भून लेंगे। वैसे तो आप कीमे के साथ किसी भी सब्जी को ऐड करके बना सकते हैं पर मटर का जो फ्लेवर है और इसमें जो हम
शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसका एक अलग ही स्वाद होता है। आप अपनी पसंद के इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, या बीन्स वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी सब्जी इसमें डालिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं और जो हमारा मटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब इसी पानी डाला है। और अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और इसे ढक के 5 मिनट तक मैं पका लूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी को चेक करते हैं। मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और ये पहले से बॉइल्ड भी थे। अब मैं इसमें, ये मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं जिन्हें इस तरह से टुकड़ों में काट दिया है, वो भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। ये मेरे पास 250 ग्राम के करीब कीमा है जिसे मैंने महीन करवाया है, तो वो भी इसमें डाल दूंगी। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इस कीमे को हम सब्जी के साथ अच्छे से भून लेंगे। कीमे को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ मैं 1 चम्मच भर के चिकन मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। कीमा हमारा अच्छे से भुन भी गया है। इसे मसाले के साथ कुछ सेकंड के लिए अच्छे से और भून लेंगे। और अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूंगी। आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा पानी उस हिसाब से ही डालिएगा आप। यहाँ मैंने करीब 1 गिलास के पानी डाला है। और गैस की फ्लेम जो है हमारी धीमी है और अब इसे धीमी आंच पे मैं 5 मिनट तक ढक कर पकाऊंगी। इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कीमा जल्दी पक जाता है। तो अभी हमने इसको 5 मिनट तक हमने भूना भी है और 5 मिनट हम इसे धीमी गैस पर इस तरह से स्टीम में पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ मैं, ये मैंने एक शिमला मिर्च ली थी जिसे मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया था, ये डाल दूंगी और इसे जो है मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर लास्ट में शिमला मिर्च इसलिए डाली है ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए,
इसका जो क्रंच है वो बना रहे। अब हम इसे भी 2 मिनट तक इस सब्जी के साथ पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को अब चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी रेडी है। हमें तो थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए थी, पर अगर आप कम ग्रेवी लेते हैं तो इसे थोड़ा सा आप और रिड्यूस कर लीजिएगा पानी को, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट है। तो अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मटर के साथ कीमा, और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप हरी मिर्च और ये अनियन स्लाइस और ये जूलियंस जो हैं अदरक के, उसके साथ सर्व कीजिए। और इसके ऊपर खाते समय आप नींबू डाल देंगे तो इसका स्वाद 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैं खाते समय हम यूज़ करेंगे नींबू का, तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था कि अभी हम नहीं डालेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ही नींबू इसमें ऐड करिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली बार फिर से एक नई रेसिपी लेकर आपके साथ मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।